कीर्तन, यहाँ पे पूरा टूटा हुआ है, पूरा मान है इसमें। बाबा 4 फीट अगर बढ़े और बारिश होते रहे लगातार ऐसे तो वाटर ब्रिज टूट सकता है। 2004 में ये जगह पहले भी टूटा हुआ था, पूरा उड़ गया। स्थिति है, आप तो यहाँ रहते हैं 24 घंटा जी, बांध का क्या स्थिति है यहाँ का? यहाँ का पोजीशन बहुत खराब है। यहाँ पे ओवरसियर जो काम करने के लिए आता है उसको बोलने से वो सुनता ही नहीं है। यहाँ पे एक जरूरी है, यहाँ पे 2 टेलर मिट्टी का, यहाँ पे 10 बस्ता डाल दिया, ये गड्ढा आप देख रहे हैं ना, ये इसमें पानी ढुकता है और नीचे से निकलता है, यहाँ से 20 फीट 15 फीट नीचे जा कर के अंदर ही अंदर निकलता है। अब बोलने से उन लोग तो सुनता ही नहीं है, खाली ये 10 बस्ता यहाँ डाल दिए, 10 वहाँ डाल दिए, पूरा पोजीशन ऐसा ख़राब है। इस साइड तो इस साइड, उस साइड का भी पोजीशन ख़राब है, क्या बोलिएगा। जब आता है बोलने से सुनते ही नहीं। 2004 में ये जगह पहले भी टूटा हुआ था, पूरा उड़ गया था, यहाँ से वहाँ से लेकर के आगे तक, ये पहले भी ये जगह उड़ गया था। तो अफसर नहीं आता है देखने के लिए? आता भी है, अफसर लोग कुछ बोलता नहीं है, वो लोग जो रोड का ओवरसियर जो काम करवाता है ठेकेदार लोग, वो लोग आता है, लेकिन उन लोग को बोलने से उन लोग के पास से चला जाता है। काम नहीं कर पा जाता है क्या? काम करता ही नहीं है, सिर्फ बोलने को। जहाँ पे 1 टेलर लगने को वहाँ पे 10 बोरा मिट्टी डाल दिया है, और 10 बोरा डालने का मतलब यहाँ पे गड्ढा हो गया, पानी जो इस पे जमा होगा तो ये पानी यहीं झुकेगा ये, और नीचे से उस साइड का क्या स्थिति? यहाँ पे पूरा टूटा हुआ है, पूरा मान है इसमें, भवाड़ी है। कल बोले हैं, कितना दिन से बोल रहे थे, तो कल वो यहाँ पे 10 बोरा डाले हैं फिर, और ये आधा ही डाले जो कुछ फायदा नहीं है, ऊपर से सारा पानी अंदर से ही डूबता है और फिर आगे से निकलता है, यानी बुरी तरह से जो है रोड पूरा डैमेज है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि देख रहे हैं भबरी और भूत है इसमें बहुत ज़्यादा, आप देख लीजिए, खुद से दिखला दिए क्या पोजीशन है, देख लीजिए पूरा यहाँ से वहाँ तक का। इसी जगह बोले ना, अच्छा, पानी का जो है, आप जो यहाँ रहते हैं पानी का क्या स्थिति है? पानी कल से कम 1.5 हाथ भरा है, 1.5 हाथ भर गया पानी, और प्रतिदिन जो है पानी बढ़ ही रहा, पानी का रफ्तार बहुत तेज हो गया है। पिछले साल से इस साल क्या लग रहा है आपको? इस साल ज्यादा ही हो रहा और होगा ही, क्योंकि 2004 में जो ये बांध टूटा था जी, उसके बाद जो है वो तो अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन इस बार जो है आप जिस तरह से जो बता रहे हैं वो जो है गड़बड़ समस्या हो सकता है बहुत ज्यादा, माने पोजीशन यहीं पर का ज्यादा खराब है, पूरे वाटर बेड में इसी जगह टूटा था, 2004 में टूटा था, इसी जगह ज्यादा दिक्कत तो देख रहे, दोनों तरफ से पैकिंग बोरा दिया, यहाँ देख लिया, अब वहाँ एक बार देख लीजिए, वहाँ पे एकदम पूरा लंबा नीचे तक है। 2004 हमारा नाम मोहम्मद सोहेल है, जगह का क्या नाम है? ये सिरनिया बोला जाता है, सिरनिया घाट रखा है, यहाँ से कोई अगर बोरा यहाँ से टच करता तब तो बोरा जाता, अब यहाँ पे ऐसा कर दिया जो नीचे से ही पानी ढुक करके यहीं पे ढुक जाएगा, यहीं पे बवारी है बरका, वहाँ से देखिए वहाँ पर का पोजीशन देगी। अभी हम आपको दिखा रहे हैं सिरनिया घाट है, और यहाँ जो है 2004 में जो है बांध टूटा हुआ था, और अभी का स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, और जो ये बोरा में मट्टी डाल के जो वाटर बांध में दे रहे हैं वो काफ़ी सही तरीका, स्थानीय लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं कि क्या यहाँ का स्थिति है और पानी में क्या इजाफा है। तो बताइए, आप यहाँ का निवासी हैं और बताइए ये वाटर बांध जो है पूरी तरह से क्षति है। देखिए यहाँ क्या है, 15-20 दिन पहले बोरा का पैकिंग पड़ा है, उसका बाद यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आया है ना। 2004 में 3 बजे शाम में बांध टूट गया था, उसी तरीका से गंभीर हालत बना हुआ है, ऐसा हो ना जो पानी अगर 2-4 फीट अगर बढ़े और बारिश होते रहे लगातार ऐसे तो वाटर ब्रिज टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे नया बांध हुआ 2004 में टूटा था तो नए मिट्टी पड़ा हुआ है, ऐसे भी पूरे दोनों बरस से तहस नहस हो चुका है। 2004 में इसी जगह बांध जी 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 है, पूरे धान ऐसे भी आपको बारिश के पानी से और नदी से पानी भी जा रहा सुलेश गेट होकर को, तो पूरे धान भी पूरे दह गया है। और तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पूरन सहनी हुआ सर जी। कौन सा वार्ड में आते हैं? मैं 3 नंबर वार्ड सिरनिया पूर्वी रुस्तमपुर पंचायत में पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सही तक आपको जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि सही काम होगा तो लोगों को जो है कष्ट का सामना नहीं करना पड़ सकता है,
क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह का यहाँ का माहौल है, थोड़ा दिखाइए इधर दिखाइए जूम करके, जिस तरह का माहौल है आप देख रहे हैं किस तरह जो है काम करके गया है, काम सही तरीका से नहीं है और पूरे नीचे तक देख सकते हैं कि किस तरह का स्थिति है। और आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सही सही जानकारी मालूम कर सके, क्योंकि आप लोग किसी के अफवाह में नहीं आइए। और